आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। प्रदेश में स्कूल खोले जाने को लेकर शासन की ओर से हुई थी SOP जारी। शिक्षा सचिव ने निर्देश दिए थे कि बोर्डिंग और डे बोर्डिंग स्कूलों में आवासीय परिसर में निवास करने वाले छात्र छात्राओं व स्टाफ को अधिकतम 48 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट दिखाकर ही स्कूल में प्रवेश की अनुमति होगी। यदि कोई छात्र बिना मास्क के स्कूल में आता है तो छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों को मास्क की व्यवस्था करनी होगी। स्कूल खोलने के दौरान सभी शिक्षकों, कर्मचारियों व छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सरकारी और निजी स्कूलों की संख्या 1354 है, जबकि 2479 इंटरमीडिएट कॉलेज हैं। इनमें लगभग 3 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। दरअसल बच्चे ऑनलाइन 15 अप्रैल से पढ़ रहे थे। 14 अप्रैल को गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दो पिछले सत्र का, 2021 का। तो उसमें 15 अप्रैल को रिजल्ट डिक्लेयर किए गए, उसके पश्चात बच्चे सभी ऑनलाइन पढ़ रहे थे। अब गवर्नमेंट का नया नियम आया है कि 9 से लेकर 12 तक 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं। तो जैसे हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ 400 से ऊपर है लगभग, और आज मात्र 50 से 60 बच्चे आए हैं, यानी कि उपस्थिति बहुत कम है। स्कूल के लिए कि स्कूल खुल रहे हैं इसलिए 31 जुलाई को ही सारे कमरे सैनिटाइज कर दिए गए थे, सारा विद्यालय की फॉगिंग करा दी गई थी। सब बच्चों के लिए सैनिटाइज कराने के लिए सैनिटाइजर, ये बाथरूम की तरफ सारा साफ करवाया, बाथरूम ब्लीचिंग पाउडर सारे फील्ड में डलवाया गया। सभी किस्म की जो सरकार की SOP है प्लस विद्यालय की अपनी व्यक्तिगत जो SOP है, उन सभी मापदंडों को अपनाया गया कि ताकि बच्चे किसी प्रकार से भी संक्रमित होने से बचें। बच्चों से अभी सरकार का 1 साल से 18 साल के बच्चों के टीके के लिए बोला गया, तो अगर हमारे यहाँ सीनियर क्लासेस में 11-12 में अभी पता करते हैं कि कितने बच्चे, जब विद्यालय लगेगा कि 18 साल से ऊपर हैं या 18 के हैं, उन्हें इंजेक्शन लगा है यानी वो वैक्सीनेट हुए हैं या नहीं। पर विद्यालय ने अपने स्तर पर कोरोना को मद्देनजर रखते हुए कोरोना की सभी गाइडलाइनों का पालन करते हुए व्यवस्था बनाई है। उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।